देखिए, जो एक ज़माने में आरोपी था समझौता ट्रेन ब्लास्ट में, तो नहीं रहे वो अब। उनसे मुझे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आरएसएस का जो शपथ लेते हैं वो बहुत लेते हैं, वो पढ़कर सुनाए जनता को क्या है वो, क्या वो भारत के संविधान के बराबर है क्या? वो छोड़े ना, वो देश को ज्ञान देना छोड़े, वो देश को बताएं कि आपने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, कितने नौकरियां दे रहे हैं आपने, भारत की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया आपकी सरकार ने, और जिसका खैमियाजा हमारी सुरक्षा को उठाना पड़ा, सुरक्षा देश की आर्मी को उठाना पड़ रहा है, ये सब छोड़िए, हमको छोड़िए, आपको बताएं, देश से सवाल बताएं। सर, आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेकर ने कहा है कि मुस्लिम समाज को खुलकर उदयपुर की घटना का विरोध करना चाहिए। किया है ना, विरोध करें, उनको भी चाहिए कि जो कर्नाटका में जो कत्ल हो रहा है उसको भी खुलकर बोले सबको। सर, कल एनएसए प्रमुख ने बोला है कि कट्टरता के खिलाफ सबको एक साथ आना चाहिए, जिस तरह के हम तो उम्मीद कर रहे थे कि एनएसए बोल देते कौन है वो चंद लोग, उनको बताना चाहिए था चंद लोग कौन है, वो अल्फाज को क्यों चाप रहे हैं, बता दें देश को कौन है वो बताए ना भाई कौन है लोग, हम तो पूछना चाह रहे हैं। आप पे कट्टरता का आरोप हर कोई लगाता रहता है, पूरे भारत में हम ही कट्टरता है, सब दूसरे धुले हैं। लोकतंत्र को लेकर बात हो रही थी, आपने कहा कि उसको अमल नहीं किया जा रहा जो लागू किया गया था। क्या संविधान है उसमें थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी अलग अलग अपना काम करती है। संविधान है उसमें थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी अलग अलग अपना काम करती है, मगर हम ये देख रहे हैं कि पिछले चंद सालों से एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पर कमज़ोर करने की पूरी कोशिश कर रहा है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में डिबेट जो है वो बिल्कुल कम हो रहे हैं। यकीन हम स्पीकर साहब की इज्जत करते हैं, मगर अगर आप देखेंगे पिछले मानसून सेशन में 14 बिल इंट्रोड्यूस भी हुए और चंद मिनटों में पास भी हो गए, और पार्लियामेंट एक साल में सिर्फ 60-65 दिन बैठता है, तो आप बताइए कैसे जनता के मुद्दों को हम देखेंगे, और इसमें एग्जीक्यूटिव का बहुत बड़ा रोल है। क्या आपको लगता है कि श्रीलंका जैसे हालात की, क्या आपने बोला भी है कि होने वाले हैं? ना, देखिए श्रीलंका के हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि श्रीलंका की गोटाबाया और राजापक्षे की सरकार ने हर चीज़ को दबा दिया, अनएम्प्लॉयमेंट को, प्राइस राइज को, जनता को बताया नहीं, तो डेटा निकलना चाहिए, डेटा बताना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि उस तरह के हालात ना पैदा हों भारत में। सर, उदयपुर की घटना पर आपका क्या कहना, लगातार इस तरह की सांप्रदायिक घटना है? हम तो उस वक्त कंडेम किए, उसको कंडेम किए, और हमारा मानना यह है कि जब कन्हैया लाल जी जब पुलिस को कंप्लेन किए थे उसी वक्त पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था, अगर उस वक्त रिएक्ट कर लेते तो उनसे इस तरह से दर्दनाक उनका कत्ल नहीं होता। राजस्थान में आपके संगठन की बात करें, क्योंकि आज आपने मीटिंग भी ली है राजस्थान में आपके पदाधिकारी, तो क्या रहने वाला है आगे, क्योंकि जुलाई भी खत्म है। आगे हम तो कह चुके हैं, हम तो तैयारी कर रहे हैं और संगठन मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। अगस्त के महीने में हमारे पार्टी का एक बड़ा फंक्शन भी होगा, उस वक्त एक जरूरी इत्तला आपको।